कि आपको आईएमएफ के पास क्यों जाना आपका जरूरी है, दौर में क्या ऐसे इकदामात और इख़राजात हुए हैं जिससे आपका तकरीबन मतलब फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो गई है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन और मैं रेकमेंड करूंगा। मतलब आप बंदा तो ये समझते हैं ना कि इतना इंटरेस्ट चढ़ गया कि अब हम इंटरेस्ट देने के भी काबिल नहीं रहे, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी अब हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। यही है सर, ये तकरीबन और भी है लेकिन दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स। ये ऐसे है कि यार क्रेडिट कार्ड बिल देने के लिए आप दूसरा क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, यू नो मैं फाइनल टेल पीस अपना चला दूं। अमरीकी वजीर खारजा ने माइक पॉम्पियो ने कल बयान दिया होगा, हमने भी उसका जिक्र किया था कि आईएमएफ से जो मुबैना एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान ले रहा है कोई 12 बिलियन से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान, तो उस पर अमरीका की कड़ी निगाह है और बकौल उनके कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे डॉलर, हम भी आईएमएफ को चंदा देते हैं तो हमारा ये चंदा चीन के जो कर्जे हैं वो पाकिस्तान अदा करे आईएमएफ के कंधे पे अपने बंदूक रख के। इसके बाद आज हमारे वजीर खारजा हैं तो वो निगरा, लेकिन हुसैन हारून, उन्होंने उसका तुर्की बतुर्की क्या जवाब दिया है वो तकरीबन बरस पड़े माइक पॉम्पियो पे। उन्होंने कहा जी ये बयान ही गैर जरूरी है एक ऐसे वक्त जबकि खुद चीन ने अमेरिका में अरबों डॉलर के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अमेरिकी वजीर खारजा हमें जो समझा रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, हालांकि हमें भी नहीं पता, सही बात, उसकी वजह यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे, निगरा हुकूमत के तौर पे हमें ये मैंडेट ही नहीं है कि हम कोई बेल आउट या नॉन बेल आउट पैकेज लेने आईएमएफ के पास जाए, और वो भी इतना है भी जाहिर है। ये तो नई हुकूमत है, हाँ, वो ये काम करेगी। कोई 100-200 मिलियन की तो बात नहीं हो रही है। एडवांस में ये कैसे समझ लिया कि हम एक तो पैकेज ले रहे हैं और दूसरे इस पैकेज से हम चीन से जो कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट अदा करेंगे। कोई चिड़िया होगी ना मुंबई की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी कि पैसे नहीं है, जब हमारी बारी आती है तो अमेरिका के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अभी अमेरिका इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको हाई टेक वेपनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए उस फंड में 9.7 बिलियन डॉलर दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। और जब हम मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि जी हमारी वसूली, हमने जो अफगान बॉर्डर पे वॉर अगेंस्ट टेरर में हमारा इतना बिल है, इतना फंसा हुआ है, तो कहते हैं यार पैसे नहीं है कल आना। हाँ, नहीं, तो पहली को बात करें। फिर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात, पहली नहीं आती वो कह रहे हैं हमें वो 30 फरवरी की डेट दी हुई है, वो कहते हैं कि पीछे से तनख्वाह रुकी हुई है। हाँ जी, आगे चलो। नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने हुसैन हारून साहब ने यह कहा कि जी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, फैटफ जब पाकिस्तान का गला घोंट रहा है। ये वैसे अगर कोई सीरियसली इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में तो मैं एक रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। ये अभी हाल में ही हेरल्ड में आतिफ मियां साहब का एक बहुत अच्छा और बहुत मुख्तसर किस्म का कॉलम, जिस मतलब ऐसा था कि मुझ जैसे जाहिल को भी समझ आ जाती है कि गेम क्या है। बहुत अच्छा मौका है, बेच दो इससे पहले कि बाजार गिर जाए। 10 बिलियन में सौदा इसलिए बुरा नहीं है कि आईएमएफ से ये बेल आउट पैकेज लेते जा रहे हैं 12 बिलियन डॉलर, बचे दो है। 10 बिलियन नकद अगर आ रहे हैं तो आईएमएफ से फिर सिर्फ 2 बिलियन डॉलर लेने पड़ेंगे। और सर बेस्ट पार्ट इज तो पाकिस्तान इस 10 बिलियन को आपने वापस भी नहीं देना। तो हाँ, नहीं। और आप हाँ, आप सऊदी अरब को कह सकते हैं अच्छा जी हम मान रहे हैं वो 15 दे दें तो, हाँ, नहीं अमीर हाँ, 15 दे दो तो, हाँ, तो अजीम दर कौमी मफाद में मेरा ख्याल है सभी मान जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर 10-12 होते तो हम चीन में जाके सीपैक बना लेते हैं। काश ये खबर जो है सही होती, लेकिन मसला ये आजकल खबरें जो है ना व्हाट्सएप पे आती है और क्या होता है फॉरवर्ड एज रिसीव करके जो ना इधर चली जाती है। व्हाट्सएप पे आने वाली की हर खबर गलत होती है ज्यादातर। नहीं बिल्कुल नहीं। कौन सी खबर सही होती है? 25 को इलेक्शन हुए, 10 तारीख से इस्लामाबाद के सहाफी जो हैं वो बता रहे थे एनिया सीटा एदिया एनिया एरिया एनिया एरिया, किस बुनियाद पे? व्हाट्सएप ग्रुप की बुनियाद पे, और वो ऑलमोस्ट वैसा ही आया। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दें। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि खाली पेट पर फल खाने से कैंसर नहीं होता, ये भी व्हाट्सएप की खबर थी। मैंने कहा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने तरदीद की। ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट में ये बातें कर रहा हूं मैं, लोग शायद मतलब फल खाना छोड़ दो सोए थे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इसी के देख रहे हैं, अब 10 बिलियन की खबर अगर आप सुन ले फिर किसको नींद आएगी? मतलब मुल्क के लिए इतना बड़ा ये वो बूस्ट होगा कि आपको फ्री के 10 बिलियन डॉलर मिल जाए,
और साथ ही चीन भी दे रहा है एक दो के भाई हमसे भी ले लो। चीन अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप $100 बिलियन दे रहा है, लेकिन वो छोड़ दो नहीं यार। हाँ, खैर वो तो चाइना के डॉलर होंगे, वो तो चलेंगे ही नहीं। खैर एनीवेज, तो अब नून के ऊपर जाहिर है आप भी मेरे साथ जो है सोर्सेज से मिलते हैं लास्ट मिनट है ब्रेक के लिए, पहले IMF का साथ ही डिस्कस कर ले, फिर अगले में हम वो वाक्य सुना देते हैं, डिस्कस करेंगे। IMF का माइक पोम्पियो ने कहा जी हम देख रहे हैं कड़ी नजर के साथ अमरीकी वजीर खारजा, अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान को नहीं देना। अच्छा मेरी जो बात हुई है, एक तो पाकिस्तान ने अभी तक IMF की जो डायरेक्टर है उनका भी बयान आ गया, उन्होंने कहा यार अभी तो उन्होंने भाई अप्लाई भी नहीं किया यार, एडवांस में धमकी क्यों दे रहे हो। दूसरी पाकिस्तान एंड US लाइक मेनी अदर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द स्टेट, अमरीका की धौंस ज्यादा जो है वर्ल्ड बैंक पे चल सकती है, बट IMF जो है एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, वो और पाकिस्तान के साथ रिफ्यूज का मसला नहीं है, लेकिन बॉस नहीं वो तो कह रहे दे ही ना। हाँ नहीं 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 नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं कि हम कड़ी नजर रखेंगे। देखो ये एक वार्निंग शॉट नहीं, उसने कहा ओए IMF, उन्होंने कहा हम कड़ी नजर इसलिए रखेंगे कि हमारे पैसे जो हैं हम नहीं चाहते कि चीन के कर्जे की किस्त उतारी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेसिकली यार इस पर हम अगले सेगमेंट में भी बात करेंगे, मेरे ख्याल थोड़ी तफसील में, क्योंकि इस पर बात करनी चाहिए। देखो बेसिक टारगेट तो चाइना पाकिस्तान रिलेशन एंड CPEC ही है, डूइंग इट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एंगल्स, बेसिक तो ये है। एंड एक लीवर ऑब्वियसली बनाना होता है कि जी अगर हम अल्फत ना करें या हम टर्म्स एंड कंडीशंस सॉल्व लगा के IMF में आपसे तकड़ी ना करें, हमें क्या मिलना है। राइट, इज अ क्विड प्रो क्वो, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, इसमें कोई कोई मतलब दो राय तो नहीं है। इंटरेस्टिंग फनी मैं आपको बात बताऊं कि अभी यही पोम्पियो साहब ने एक और ऐलान भी किया है कि जी हम ये मतलब CPEC तो अपनी जगह, हम एक इंडो पैसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और सीड मनी कितनी है उसकी, $115 मिलियन। $115 मिलियन ये तो हमारे रीजन में डॉलर्स का तूफान है। $115 मिलियन में तो आजकल CPEC का दो वकील नहीं बनेंगे यार, बॉस क्या बात कर। अच्छा मेरा मशवरा शहबाज शरीफ साहब को ये है वक्फे से पहले जी कि अब वो पंजाब हुकूमत बनाने की जो कोशिशें हैं वो तर्क कर दें, अपने आप को सेटल करें अपोजिशन के रोल में, इसलिए कि जो तुर्क सदर हैं उर्दवान साहब, उनकी भी उन्होंने भी इमरान खान को मुबारकबाद का पैगाम दिया है, और पता नहीं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी बाद में बात की, उन्होंने कहा कि आपको भी मुबारक हो आप दूसरे नंबर पे आए। अब अगर उर्दवान साहब ने फोन कर दिया तो चिल कर दो, चिल कर दो। अब बात हो रही है रिकाउंटिंग और उसके मसाइल पर, तो बदीन से क्या खबर आई कि वहां से जाहिर है GDA की जो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा है वो कामयाब हुई थी NA 230 बदीन 2। ठीक है, तो उनके जो मुखालिफ थे जो सिर्फ 860 वोट से हारे थे, अगेन विद इन लीगल पैरामीटर्स, उन्होंने कहा कि जी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। हाजी रसूल बख्श चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुरू हुई 13 पोलिंग स्टेशन से, और बिल्कुल जैसे फैसल साले हयात के केस में हुआ, मार्जिन गिरता गया और फिर वक्त डाल दिया डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहिबा के साथियों ने, इस हद तक कि जब रिकाउंटिंग दोबारा शुरू हुई अगले रोज, जब पता लग गया था कि मार्जिन कम होता जा रहा है, बॉस मसला है, हाँ, तो रिटर्निंग अफसर के मुताबिक डॉक्टर मिर्जा ने वहां पर शोर और शराबा शुरू कर दिया एंड क्रिएटेड हर्डल्स इन द रिकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके बाद उन्होंने आरओ ने कहा कि इस सूरत हाल में मेरे लिए नामुमकिन। उन्होंने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल लेटर लिख दिया कि मैं कर नहीं सकता। अच्छा मंगाराम जो आरओ है PS 73 के, जहां पर ये डॉक्टर मिर्जा की हसाम मिर्जा जुल्फिकार मिर्जा फहमीदा मिर्जा के जो बेटे हैं उनके खिलाफ भी रिकाउंटिंग हुई थी, उसमें भी यही मसला था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुकम्मल तो हो गया नहीं, लेकिन एक और हो गया ना अपना, अपेरेंटली सुनने के लिए यह आया हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है कि आप ये फहमीदा मिर्जा NA 230 और PS 73 में आप रोक दे रिकाउंटिंग। अब उस तो उल्टा ही चल रहा है ना यार, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आपके ख्याल में 4 साल तक कैसे मसाइल चलते हैं, कैसे ही मसाइल चलते हैं, वो दर स्टे कर दिया उसका रोक दो। फहमीदा मिर्जा जब असेंबली की स्पीकर बनी थी ना, तो इट वॉज अ हिस्ट्री, बिल्कुल नहीं जबरदस्त खातून। हाँ हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट चलाया 5 साल तक, मतलब आज भी लोग याद करते हैं, और बाकायदा एक जेन्युइन न्यूट्रलिटी के साथ और बहुत ही वकार के साथ। अब ये जो सूरत हाल है इस पे मैं रिकनसाइल नहीं कर पा रहा कि वो या ये ना,
पता है कहते हैं कि either you die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. सही बात, anyway, villain पे याद आया क्योंकि कल